चतुर बीरबल में आज की कहानी है बीरबल बने बच्चा। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार में आने में देरी हो गई थी, तो राजा अकबर बहुत बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे, महाराज आज जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे छोटे छोटे बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहीं नहीं जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर निकलने में देरी हो गई। राजा अकबर को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बीरबल, बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। परंतु बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट नहीं हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। बीरबल ने राजा के सामने एक शर्त रखी। बीरबल ने कहा कि वह इस बात को साबित कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा और आपको मुझे समझाना बुझाना होगा। राजा अकबर इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने लगे और रोने लगे तथा राजा अकबर से गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा अकबर ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने एक नई जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, मुझे छिला हुआ गन्ना ही खाना है। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे, रोने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका, चुपचाप इसे खा लो। अकबर की डांट सुनकर अब बीरबल और भी जोर जोर से रोने लगे। अब अकबर ने बड़े प्यार से बीरबल से पूछा, कहो बीरबल तुम क्यों रो रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे ना खाकर रो क्यों रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया। उन्होंने राजा से पूछा, क्या आप अब इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना बुझाना यकीन एक मुश्किल काम है। राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है।